नॉर्मल लाया हूँ, ना चीज ना मेयोनीज कुछ भी नहीं, नॉर्मल बस आलू की टिक्की है और बर्गर है, बस नॉर्मल लाया हूँ बस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आपने देखा, मैं सुबह से किसी काम से गया हुआ था, तो मेट्रो से घर आया, घर आके थोड़ा बहुत खाया मैंने कुछ, फिर मैं सो गया। अभी उठा मैं शाम को और बाहर से मैं सारी सब्जियां लेके आया हूँ, बहुत सारी सब्जी लाया। मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, पता नहीं मम्मी का ना बीपी हाई हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी डैडी ऑफिस से आए हैं और दीदी मैं आ रही मेरे लिए चाय, तो अदरक की चाय पी रहा हूँ मैं, ये शॉल है मेरे पीछे। दीदी को भी खांसी हो रही है, मुझे भी हो रही है, पता नहीं लग रहा है एलर्जी हो गई कि नहीं, यहाँ कुछ छुप रहा है, अजीब सा हो रहा है। दवाई खा ली तो लो, दवाई निकाल अंदर से, जो तू कह रहा था वो रखी हुई अंदर। होम्योपैथिक नहीं मिली मुझे, निकाल के लाया वहाँ रखी हुई होगी, देख वहाँ होगी। तो एक बार अदरक की चाय पीते हैं पहले। तो गाइस हमारी चाय आ चुकी है और मेरे ये वाले कप है, इसमें चाय पीता हूँ मैं। और दीदी देखो, दीदी दीदी से बोल रहा हूँ मैं कि मुझे एक मेरा कप गिफ्ट कर दो बढ़िया सा कोई। फोटो नहीं, मतलब उसपे ना एक अच्छा सा फोन होना चाहिए, कॉर्ड्स बढ़िया सा कुछ। उसपे मेरी और सास की फोटो, तेरे पे हम, तेरी और मेरी फोटो। मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, मम्मी का ना बीपी हाई हो रहा है, पता नहीं बहुत ज्यादा। तो मम्मी का अभी बीपी नापता हूँ, मम्मी का ना बीपी नापता हूँ, जरा मशीन है मेरे पास। तो गाइस चाय वाय तो पी ली और जरा मैं डैडी का जा रहा हूँ जरा बाहर, होम्योपैथिक कोई दवाई लेके आनी है मम्मी के लिए। मम्मी का बीपी हाई रहता ना, मतलब हाई क्या, दो दिन से मम्मी का बीपी इतना हाई है, दवाई दे रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं पर उतर रहा है, फिर बहुत चढ़ जा रहा है। तो होम्योपैथिक दवाई है, उससे बीपी बिल्कुल उतर जाएगा। बस भाई मम्मी का ना सर में बहुत दर्द हो रहा है बीपी की वजह से, सोच रहा हूँ हॉस्पिटल ले जाऊँ पर अभी देखते हैं फिलहाल, नहीं तो रात को लेके आना पड़ेगा। चलते भाई लेके आते हैं। तो शॉप पर तो आ गए और डैडी लेके अंदर से दवाई ले ली, क्या पेटीएम नहीं हो रहा। तो गाइस दवाई तो ले ली, अब चलते हैं। तो गाइस डैडी तो गए घर पे दवाई लेके और मैं आया हूँ अभी लिटिल लाल कैफे मोहित से मिलने, और सोच रहा हूँ कुछ खा भी लूँ, तो मैंने बर्गर ऑर्डर किया है, तो वो खाते हैं और मोहित से मिलता हूँ। अभी अंदर है वो, ज़रा बना रहा है कुछ। आज तो मौसम बढ़िया हो रहा है यार, आज मैं अकेले ही आ गया इससे मिलने, क्योंकि वैसे मैं आता हूँ सबके साथ आता हूँ, दीदी के साथ आता हूँ, तो जब मैं दीदी के साथ आता हूँ तो मतलब मोहित से बात करने का इतना टाइम नहीं मिलता है। तो अच्छा अकेले आ गया, थोड़ा बात करते हैं, बहुत दिन हो गए भाई मिले हुए। और वैसे देखो बैलून लगा रखे ना पूरे अच्छे से कैफे में, तो सुंदर लग रहा है, और कैफे और सुंदर लग रहा है, कैफे मेरा मतलब सुंदर और लग रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरा मतलब ये है कि बैलून लगा रखे है ना, तो उससे कैफे और सुंदर लग रहा है। तो हाँ अभी तो बैठा हूँ मैं अंदर, बना रहा है वो। तो गाइस ये रहा मोहित और ये बना रहा है मेरे लिए बर्गर, अभी उसकी कर रहा है तैयारी। है मोहित मुँह तो दिखा दे, हाय तो बोल दे। तो गाइस मोहित से तो मिल लिया और मम्मी के लिए मैंने एक बर्गर पैक करा लिया। ठीक है मोहित जाओ, मैं ठीक है, बहुत दिन हो गया भाई से मिले, ठीक है चलते हैं। डैडी जय हिंद, क्या हुआ, और जय हिंद, हेलो सामान दाल, मम्मी के लिए बर्गर लाया था मेरे को दे दो मम्मी, हेलो अरे मेरी बबुआ क्या यार, स्वीट कॉर्न रख ले बर्गर, खा लो खा लो, तो ठीक है अब उतनी है नॉर्मल लाया हूँ, ना चीज ना मेयोनीज कुछ भी नहीं, नॉर्मल बस आलू की टिक्की है और बर्गर है, बस नॉर्मल लाया हूँ बस। अरे गुस्सा हो गए। तो गाइस अब खाना खाते हैं और आज खाने में है दाल रोटी और है गाजर और ये हरी मिर्च और चम्मच और दीदी खाना में आ रही है आज थोड़ी सी दाल, मतलब दीदी ने आज दाल बनाई है ना दीदी,
डैडी ने मेरा आज देखो बनाई दाल, दीदी रोटी बना रही है, मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, कोई नहीं मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी। मम्मी का बीपी हाई हो रहा है, पता नहीं पहुंच जाता ना, अब वैसे नॉर्मल है पहले से। तो खाना खाते हैं। सो गाइस दिस इज नेक्स्ट डे और मैंने फिर मैं खाना खा के ना सो गया थोड़ी देर। थोड़ी देर क्या है, मैं मतलब खाना खा के एडिटिंग करने लेटा और मैं सो गया। अब मैं सुबह सुबह उठा हूँ तो मैं नाश्ता कर रहा हूँ पहले। नाश्ते में भी चाय और रात की दाल रोटी थोड़ी सी बची हुई थी तो मैंने सेक के वो खा रहा हूँ। तो पहले नाश्ता करते हैं। तो गाइज अब हम लोग दूसरी बार चाय पी रहे हैं और सारांश को देखो फिर से चाय ठूसने में लग गया है। कोई बात नहीं, ठंड तो हो रही है। और ये देखो गाइज मेरे फिर से पता नहीं, मैं एक बार मेकअप यूज करती हूँ ना, मेरे इतने पिंपल हो जाते हैं। मैं क्या बताऊँ, मेरे यहाँ फिर से पिंपल हो गया, यहाँ हो गया, अब मैं एलोवेरा जेल लगा के घूम रही हूँ। पिंपल ये रहता बड़ा और दूसरा ये रहा इतना बड़ा। नहीं मतलब ही नहीं बनता बेटा, ये तो मैं लोकल में लेती हूं। मुझे समझ नहीं आता गाइस, कोई अच्छी कंपनी हो ना मेकअप की। देखो मैं अच्छी कंपनी ही यूज करती हूँ, ठीक है, पर और कुछ हो तो मुझे प्लीज कमेंट में बताना, रिकमेंड करना और इसके लिए भी बताना इसके लिए। तो गाइस अब ना मेरे को न्यू व्लॉग भी स्टार्ट करना है, तो फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। तो गाइस अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय, गुड नाइट नहीं बोलूंगा, टेक केयर, सब बखैर। तो गाइस अबे यार खा रही हूँ मैं, इन्होंने तो गाइस हम लोग अब दूसरी बार चाय पी रहे हैं। बंद करो। तो गाइस अभी क्या बोलूं?